हरियाणा विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही गठबंधन की चर्चाओं में जोर पकड़ लिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने हाल ही में एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने चुनाव के लिए पार्टी की तैयारी पर जोर दिया। पाठक ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा, हम आदेश का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही हमें हरी झंडी मिलेगी हम अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। जो भी हमें कमजोर आंकेगा वह बाद में पछताएगा। आप और कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं हो रही है। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि बातचीत जारी है, लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। उन्होंने बताया कि आप हरियाणा में लगातार काम कर रहे हैं और जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। उनका संगठन पूरी तरह से तैयार है और उम्मीद है कि गठबंधन को लेकर सकारात्मक परिणाम आएंगे। राघव चड्ढा, जो कि आपके एक प्रमुख नेता हैं, ने भी इस संदर्भ में बयान दिया था। उन्होंने कहा कि गठबंधन राष्ट्र और हरियाणा के हित में होगा। हालांकि उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन संकेत दिए कि बातचीत सही दिशा में चल रही है और उम्मीद है कि इसका परिणाम सकारात्मक होगा। चुनाव की तारीखें नजदीक है और हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। वर्तमान में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर अंतिम फैसला जल्द ही सामने आ सकता है, जिससे राज्य की राजनीति और स्थिति और चुनावी रणनीतियां स्पष्ट हो जाएंगी।